मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में हुई। बैठक में उज्जैन विक्रमोत्सव मेला व्यापार 2024 में मोटरयान कर की दर में 50% की छूट का निर्णय लिया गया। इंदौर उज्जैन 4-लेन मार्ग को 6-लेन माय पेप्ड शोल्डर में विकसित करने की स्वीकृति दी गई। कैबिनेट की बैठक में आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 224.46 करोड़ रुपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति। लोक सेवा आयोग में 2 सदस्यों की नियुक्ति को मंजूरी। ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास कार्य के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान के साथ ही 2 नए विश्वविद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय भी हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले कहा है कि ऐसी व्यवस्था आवश्यक है कि गौ माता सड़कों पर ना दिखे। इसके लिए गौशालाओं के लिए राशि और मानदेय वृद्धि का निर्णय लिया जाएगा। श्रेष्ठ प्रबंधन से गौ माता के सम्मान में व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। कैबिनेट की बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण से सांस्कृतिक गौरव बढ़ा है, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं और कैबिनेट की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद पत्र दिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व आज मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने 2 मिनट का मौन धारण कर आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आचार्य श्री का चिंतन राष्ट्र कल्याण के लिए था। वो ऐसी विभूति थे जिन्होंने अनेक आदर्श स्थापित किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग की बैठक में विभागीय गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंत्रालय में प्रमुख सचिव खनिज एवं राजस्व विभाग द्वारा तैयार प्रेजेंटेशन देखा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि विभागीय गतिविधियों की नियमित समीक्षा की जाए और राजस्व गृह एवं खनिज विभाग की संयुक्त बैठक हो। अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए रणनीति बनाकर कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज समन्वय भवन भोपाल में मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में आत्मीय स्वागत व स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग, मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष श्री रमेश वंदोला एवं अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में नई उपलब्धियां प्राप्त कर रहा है। खेलों में मध्य प्रदेश का भविष्य उज्जवल है। खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं मिले, खेलों में अपना मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 बने, इसके लिए निरंतर प्रयास होंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि नई शिक्षा नीति में खेल को हमने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। ये ऐतिहासिक कदम है। दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पर खेल को इतनी मान्यता दी गई हो। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पहले खेल शिक्षक केवल एक्टिविटी के शिक्षक माने जाते थे, लेकिन नई शिक्षा नीति के माध्यम से अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हुए वाइस चांसलर तक बनेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से उनके भोपाल स्थित निवास पहुंचकर सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से आज मंत्रालय में मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल श्री ब्रजेश कुमार ने भेंट की और मध्य प्रदेश डाक परिमंडल की गतिविधियों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी।